जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जब अपना ट्राई करता है फौज के लिए ट्राई करता है और उसका ना पहले ही ये माइंडसेट बन जाता है यार मेरे को ना अंतिम पक्ष जाना है मेरे पेरेंट्स आएंगे वो ग्लैमराइज बहुत सारी चीज़ें करता है बट जब जाता है और उसको सच्चाई पता चलती है तो वो थोड़ा सा शॉक में आ जाता है ये इट इज़ नॉट हैपनिंग विद द फौज मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स बट अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आल्सो जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जाते हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं और दे आर इन द शॉक कि यार ये तो मतलब बहुत मुश्किल चीज है और फिजिकल मेंटल लेवल पर टॉर्चर वो खुद को और करते हैं उस्ताद जी तो उनको एक पॉजिटिव टॉर्चर करते हैं बट वो खुद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो सर आप उन लोगों को सच्चाई क्या बताना चाहते हो वट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉज आप बताइए इन स्टूडेंट्स को जो बहुत फैंटेसाइज भी कर लेते हैं और कर्म कम करते हैं और सोचते बहुत ज्यादा है वट यू से आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू फर्स्ट फॉरियंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है आपका देखिए बात आई रियलिटी होना क्या मालूम होना बहुत जरूरी है जब हमारी एस एस बी क्लियर हुई तो मेरे को एक प्लस साइन मिला गया मेडिकल के आपको मिला होगा है तो प्लस साइन लगा भाई स्टार लग गए कंधे पे हम लेफ्ट हैंड बन गए और लेफ्ट हैंड मेरे लिए ऐसी रैंक थी जो किसी जनरल साहब से कम नहीं थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कम नहीं थी लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह वाह लेफ्टिनेंट साहब आ रहे हैं स्टाइलिश राइट तो ग्लैमर इसमें कोई शक की बात है ही नहीं ग्लैमर भी है ग्लैमर तो है भैया आप छब्बीस जनवरी की परेड देखते हैं आप राजपथ पर देखते हैं कर्तव्य पथ है वो ग्लैमर हासिल करने के लिए बहुत रगड़ा खाना पड़ता है भैया इट्स नॉट इजी भूत बनना पड़ता है भैया भूत लिटरली और इतना कठिन कठोर अगर आपको वर्दी इतनी खूबसूरत अगर भैया अगर आपको को गुलाबों की खेती करनी है तो आपको कांटे भी झेलने पड़ेंगे ना यार आप गुलाबों की खेती नहीं कर सकते बिना कांटों से अपने आप को हुए तो आपको जो रगड़ा मिलेगा आप शौक हो जाना कि भाई मैं तो यहां पे अफसराने हिंद बनने आया था और यहां पे तो भूत बन गया मेरा तो आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा कोई इमारत है उसको और खूबसूरत बनाना खूबसूरत है ऑलरेडी उसको पहले बेस से तोड़ना पड़ेगा फिर उसके ऊपर उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा उसी इमारत के ऊपर आप बनाएंगे तो वो टिकेगी नहीं तो फौज में यही होता है कि भाई आप तभी हमारे हैकर यूनिफॉर्म से हम बन जाते हैं ताकि हम जैसे हैं हम भूल जाएं, अनलर्न कर जाएं, हम क्या थे क्या नहीं थे अब शुरुआत कर रहे हैं हम बेसिक से